नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। झारखंड की बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर देर रात ईडी की रेड खत्म हुई। छापेमारी के बाद ईडी कई अहम दस्तावेज, विधायक के फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अन्य सामान अपने साथ ले गई है। बुधवार को हजारीबाग में उनके पुराने आवास पर फिर ईडी के अफसर पहुंचे हैं। छापेमारी के बाद विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चाहते थे कि मैं चतरा या हजारीबाग से चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे मना करने के बाद उन्होंने ईडी को भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की है। मैं घर में रो रही थी, ईडी की टीम सीधे मेरे बेडरूम में घुस आई। विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि सुबह 6 बजे रेड शुरू हुई और देर रात 12 बजे तक चली। अंबा प्रसाद उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और परिवार के करीबी रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी ने योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज, बेटी अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और विभिन्न ठिकानों से करीब 20 लाख रुपये नकद जब्त किए जाने की सूचना है। छापेमारी के दायरे में योगेंद्र साव के कुल 3 ठिकानों को शामिल किया गया। छापेमारी के बाद अम्मा प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने हजारीबाग से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, चतरा की सीट के लिए चुनाव लड़ने का दबाव था। सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे, मेरे घर में ऐसे समय में पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मुझे छापेमारी में घंटों खड़ा रखा गया, मैं सो रही थी और ईडी सीधे बेडरूम तक पहुंच गई। हर चीज में राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। अंबा प्रसाद ने कहा कि मैं अडानी या एनटीपीसी के खिलाफ आवाज उठाती थी, लोग मुझे मना करते थे, लेकिन मैं राजनीति में जनता के लिए आई हूँ, मैं उनके मुद्दे उठाऊंगी। मेरी माँ परेशान थी, वह कह रही थी चुनाव मत लड़ो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी बहन का एक संदूक जो बायोमेट्रिक से खुलता था, वह भी ईडी अपने साथ लेकर गई है, कई कागजात लेकर गई है, मेरा फोन भी लेकर गए हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।